guys, welcome back to the channel, and this is lecture number 81 in the public administration lecture series, and today we are going to discuss about the e-governance technique of administrative improvement. में अभी तक हम काफ़ी सारे जो टॉपिक हैं वो डिस्कस कर चुके हैं, और अभी कुछ टॉपिक रहते हैं जैसे पर्ट है, CPM है, MIS है, एंड टूडेज टॉपिक विल बी e-governance. क्या टेक्नोलॉजी है, e-governance है क्या बेसिकली, एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इसका क्या रोल है, क्या इनिशिएटिव इंडिया में लागू किए गए हैं ई गवर्नेंस से रिलेटेड. तो ये सारे टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं. एंड दोज हु वांट टू परचेज अवर नोट्स, या जो चैनल की हेल्प करना चाहते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो चैनल चल रहा है अभी फ्री UPSC प्रिपरेशन नाम से, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड के अंदर है, तो अगर वो कोई चैनल की हेल्प करना चाहता है या नोट्स परचेज करना चाहता है, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, हमारा जीमेल, बाकी सोशल मीडिया लिंक आपको कम्प्लीटली दिए हुए हैं. तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आप हमें डायरेक्टली अपना इनपुट दे सकते हैं. आपके जो फीडबैक है, इनपुट है, वो हमारे लिए काफ़ी वैल्यूएबल होते हैं. ओके, तो शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर ई गवर्नेंस. ई गवर्नेंस का मतलब देखिए सिंपल सा होता है, गवर्नेंस इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, दैट मीन्स यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन द गवर्नेंस. अब यहाँ पर पेपर या फिर मैन टू मैन कॉन्टैक्ट वाली बात नहीं है. यू जस्ट हैव अ सिस्टम, आपके पास एक कंप्यूटर है, आपके पास एक फ़ोन है, और आप उसके थ्रू पूरा का पूरा गवर्नेंस सिस्टम आपके पास आ जाता है, ठीक है. सो द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ गवर्नेंस इज कॉल्ड ई गवर्नेंस. ICT फील्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए हैं रिसेंट टाइम के अंदर, और आपको पता है इंडिया जो है एट द फोर फ्रंट ऑफ IT रिवोल्यूशन. अगर आज के दिन IT की बात की जाए, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात की जाए, तो इंडिया का नाम शायद सबसे आगे रहेगा. फाइन, सो ICT हैव फैसिलिटेटेड द री इन्वेंशन ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रिपेयर देम टू सर्व द नीड्स ऑफ डाइवर्स सोसाइटी. इंडिया हैज़ बीन एट द फोर फ्रंट ऑफ IT रिवोल्यूशन. जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी हैं, उन सब के जितने भी मतलब डिजिटल मार्केटिंग है, या फिर ई गवर्नेंस का जो सिस्टम है, या उनके मतलब स्टोर्स हैं, या तो इंडिया के अंदर मतलब डिजिटल काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट हुई है, ठीक है. उनके BPO कॉल सेंटर है, वो इंडिया के अंदर लोकेटेड हैं. ई गवर्नेंस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ ICT टू द प्रोसेसेस ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनिंग फॉर गुड गवर्नेंस. आप ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो गवर्नमेंट प्रोसेस में गुड गवर्नेंस के लिए. तो ई गवर्नेंस हेल्प यू टू ब्रिंग द गुड गवर्नेंस. ई गवर्नेंस मीन्स एप्लीकेशन ऑफ ICT इन द गवर्नमेंट फंक्शनिंग टू ब्रिंग स्मार्ट गवर्नेंस. सिर्फ गुड गवर्नेंस नहीं, स्मार्ट गवर्नेंस. स्मार्ट मीन्स एस फॉर सिंपल, एम फॉर मॉरल, ए फॉर अकाउंटेबल, आर फॉर रिस्पॉन्सिव, टी फॉर ट्रांसपेरेंट. सिंपल मतलब आपको करना क्या है, आपको अपना सिस्टम पे जाना, आपने अपने कंप्यूटर से एक वेबसाइट लॉगिन की, जस्ट सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है. आपको ऑफिस के चक्कर नहीं काटने, आपको कई सारे लोगों से नहीं मिलना, बार बार मतलब चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, वेरी सिंपल. मॉरल एम, जो काम आप चाहते हैं आपका इजिली हो रहा है, फाइन, सही तरीके से हो रहा है, कोई आपको करप्शन का कहीं मतलब किसी को घूसखोरी देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं है, मॉरल सिस्टम है. ई गवर्नेंस में जो जिसका है सो है, कहीं पर कोई भी करप्शन आपसे डिमांड नहीं कर सकता कि मैं आपकी फ़ाइल जल्दी आगे कर दूंगा, आप मेरे को 500 रुपये दे, आप मेरे को 5000 रुपये दे, कोई आपसे डिमांड नहीं कर रहा, मॉरल है. ए फॉर अकाउंटेबल, अकाउंटेबल मीन्स जो कुछ है ऑनलाइन है, ठीक है, मीडिया के पास भी है, जुडिशियरी के पास भी है, लोगों के पास भी है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, अकाउंटेबल है, ओपन सिस्टम है. आर फॉर रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव मीन्स कि चेंजिंग एनवायरनमेंट के रिकॉर्डिंग, सॉरी चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, एज वेल एज जो डिमांड है सोसाइटी की, जो चेंजिंग डिमांड है सोसाइटी की, उसके अकॉर्डिंग सिस्टम चेंज होता रहता है. 1970 के अंदर जो था वो आज के दिन नहीं चल रहा, फाइन. तो रिस्पॉन्सिव है सोसाइटी की नीड्स को, और ट्रांसपेरेंट है. जो चीज़ ऑनलाइन होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, क्यों? क्योंकि आप इजीली आपकी इन्फॉर्मेशन तक आपकी एक्सेस है. गवर्नेंस के अंदर या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जब ट्रांसपेरेंसी की बात आती है, तो ट्रांसपेरेंसी इन व्हाट वे? ट्रांसपेरेंसी इन लुकिंग एट द इन्फॉर्मेशन. आपके आपसे कुछ सीक्रेट नहीं रखा जा रहा है. जबकि आप ऑफिस में जाते हो तो आपसे कह देंगे कि हमारे बॉस से मिलो, हमारे सीनियर से मिलो, सुपर सीनियर से मिलो. ऐसा कुछ आपको इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस में नहीं मिलेगा. आपको एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ होता है, आप जस्ट लॉग इन करते हो या वेबसाइट पर विजिट करते हो, सारा कुछ वहाँ पर अवेलेबल होता है. तो ई गवर्नेंस हेल्प इन ब्रिंगिंग द स्मार्ट गवर्नेंस, सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, ठीक है. तो यहाँ पर हम ट्रॉन मुलर एंड लिंक
को यहाँ पर कोट करते हैं, दैट ई गवर्नेंस इज़ ए ग्लोबल फिनोमिनन. ये पर्टिकुलर सोसाइटी से नहीं है, ये पर्टिकुलर कंट्री से रिलेटेड नहीं है, नहीं, इट्स अ ग्लोबल फिनोमिना, ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहा है ये. एंड इट इज़ द मोस्ट रिसेंट पैराडाइम इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. जैसे हम पब्लिक पॉलिसी की बात करते हैं, अब बात करेंगे हम ई गवर्नेंस की, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट रिसेंट पैराडाइम. आज के दिन जो एरा है वो डिजिटल एरा है. हर जगह बात हो रही है डिजिटलाइजेशन की, बात हो रही है रिकॉर्ड को डिजिटलाइज किया जा रहा है. ठीक है, टुडेज एरा, ये आप ये भी कह सकते हो कि 21st century जो है वो डिजिटल सेंचुरी है, डिजिटल के नाम है वो सेंचुरी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की सेंचुरी है वो. फाइन, तो इट इज़ द मोस्ट रिसेंट पैराडाइम इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. अब यहाँ पर बात करते हैं मॉडल्स ऑफ ई गवर्नेंस. तो प्रोफेसर डॉक्टर एरे हलक चमी या जो भी आप इनको प्रोनाउंस करते हो, उन्होंने अपनी पेपर के अंदर एक पेपर उन्होंने पब्लिश किया था, ई गवर्नमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस द एविडेंस फ्रॉम टेनेसी, USA से पब्लिश किया था उन्होंने. एंड ही हैज़ गिवन द 5 इंपॉर्टेंट मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस. फर्स्ट ब्रॉडकास्टिंग मॉडल, क्रिटिकल फ्लो मॉडल, कंपैरेटिव एनालिसिस मॉडल, ई एडवोकेसी या फिर मोबिलाइजेशन एंड लॉबिंग मॉडल, या इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल. और मोस्टली नाम से पता चल रहा है आपको. ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है, जैसे रेडियो है, रेडियो में क्या होता है, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताई जाती है, ब्रॉडकास्ट की जाती है. वो एक बंदा वहाँ पर बैठा है टीवी के अंदर, वो पर्सन वहाँ पर बैठा है और इन्फॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट कर रहा है. सो ब्रॉडकास्टिंग मॉडल इज़ बेस्ड ऑन द डिसेमिनेशन और ब्रॉडकास्टिंग ऑफ यूजफुल गवर्नेंस इन्फॉर्मेशन एंड इट प्रोवाइड पीपल विद द करेक्ट इन्फॉर्मेशन. आपको ध्यान होगा कि जो थोड़ा आज से 10-15 साल पहले जो हमारे बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, वो रेडियो से सुनते थे, न्यूज़ सुनते थे, 9 बजे की, 6 बजे की जो भी न्यूज़ आती थी वो बैठ के सुनते थे. उससे क्या है, लोगों को करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती थी, तो लोग ट्रस्ट करते थे उन सिस्टम के ऊपर. वो भी क्या ई गवर्नेंस का एक मॉडल है. फाइन, तो पहला तो है ब्रॉडकास्टिंग मॉडल, फर्स्ट स्टेज भी आप इसको कह सकते हो. दूसरा क्रिटिकल फ्लो मॉडल. क्रिटिकल फ्लो मॉडल में क्या होता है, दैट दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन द डिसेमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ क्रिटिकल वैल्यू टू द टारगेटेड ऑडियंस और इन टू द वाइडर पब्लिक डोमेन. यहाँ पर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पब्लिक या पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट किया जाता है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो उनके साथ शेयर की जाती है. क्रिटिकल फ्लो, बहुत ही क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है वो उनके साथ शेयर की जाती है. कंपैरेटिव एनालिसिस, ये मॉडल बेसिकली एसिमिलेट करता है बेस्ट प्रैक्टिसेस, कंपैरिजन करता है कि कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनको यूज़ करता है एज बेंचमार्क और फिर अपने यहाँ के जो गवर्नेंस प्रैक्टिस हो रही है उनको इवैल्यूएट करता है. पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या है कि आज के दिन सारे डिपार्टमेंट डिजिटलाइज हो गए, फॉर एग्जाम्पल ये हमने मान लिया, ये क्या हमने सेट कर लिया बेंचमार्क. अब हम हमारे यहाँ क्या हो रहा है, जो गवर्नेंस प्रैक्टिस हम फॉलो कर रहे हैं, क्या हमारे यहाँ अभी तक डेटा सारा डिजिटलाइज हो चुका है या नहीं हो चुका. ये मॉडल क्या कहलाता है, कंपैरेटिव एनालिसिस मॉडल. फाइन, कि हमने कंपैरिजन किया है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या हो रहा है और हमारे यहाँ क्या हो रहा है. नेक्स्ट है द ई एडवोकेसी या मोबिलाइजेशन एंड लॉबिंग मॉडल. ये मॉडल बेसिकली हेल्प करता है सिविल सोसाइटी की टू इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. एडवोकेसी, ई एडवोकेसी, आप अपनी बात को रख सकते हो, सिविल सोसाइटी अपनी बात को रख सकती है और वो ग्लोबल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को भी इम्पैक्ट कर सकती है. सो दिस मॉडल बेसिकली हेल्प द सिविल सोसाइटी टू पुट देयर व्यू एंड टू इन्फ्लुएंस द ग्लोबल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. फाइन, नेक्स्ट है द इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल. इस मॉडल के अंडर द वेरियस सर्विसेज ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट बिकम डायरेक्टली अवेलेबल टू सिटीजन इन एन इंटरेक्टिव मैनर. हमारे यहाँ फिलहाल जितनी भी सर्विस हैं जो मतलब गवर्नमेंट काम कर रही है, सारी सर्विसेज डायरेक्टली लोगों तक अवेलेबल हो रही हैं इंटरेक्टिव मैनर के अंदर. जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम करवा मतलब जितनी गवर्नमेंट स्कीम्स चल रही हैं, आप किसी एक स्कीम का नाम कोट करिए, बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर कि ऐसी कौन सी स्कीम है फिलहाल. एक चलो मैं आपको बताती हूँ, जैसे DBT है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, उसमें क्या है कि सिटीज़न को डायरेक्टली बेनिफिट हो रहा है ई गवर्नेंस मॉडल का. फाइन, ऐसी जितनी भी स्कीम है आप एग्जाम्पल दे करके बताइए कि कौन कौन सी ऐसी स्कीम है इंडिया के अंदर जो बेसिकली इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल का जो है वो एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो आप. फाइन, अब ई गवर्नेंस की सिग्निफिकेंस क्या है, आप बिना एक्सप्लेन करे भी आप लिख सकते हो. क्या है भाई, इजी है, कम्युनिकेशन बहुत स्पीडियर होता है. एक तो मैं चिट्ठी डालूं अपने किसी फ्रेंड को या अपने किसी रिलेटिव को, एक चिट्ठी डाली जाए 10-15 दिनों में उसके पास पहुंचेगी, फिर वो पढ़े, चिट्ठी लिखे, 10-15 दिनों में मेरे पास आ जाएगी. 1 month लग गया, और जबकि क्या है, जस्ट एक कॉल, एक फ़ोन से उससे कितने
जस्ट 30 सेकेंड भी नहीं लगते कॉल कनेक्ट होने में अगर वो टाइम पे उठा ले बंदा तो. सो विद इन 30 सेकेंड और विद इन 1 मिनट उस पर्सन से डायरेक्टली आप बात कर सकते हो. फाइन, सो ईजी एंड स्पीडियर कम्युनिकेशन नॉट ओनली योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, गवर्नमेंट से. हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के आस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं तो गवर्नमेंट, अगर आप गवर्नमेंट की बात कर रहे हो तो ये कम्युनिकेशन चैनल ई गवर्नेंस की वजह से बहुत अच्छा हो गया है. सेकेंड, कॉस्ट रिडक्शन. ऑब्वियसली क्योंकि कहीं ना कहीं इनपुट के अंदर आपको फ़ायदा मिला है. कम्युनिकेशन आपका इजी हुआ तो आपको इनपुट के अंदर फ़ायदा हुआ है. ई गवर्नेंस, डेटा रिकॉर्ड करने में फाइल्स लगती थी, फाइल पे पैसे लगते थे, स्टेशनरी को अरेंज करने में पैसे लगते थे, अब सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है. इट विल हेल्प इन कॉस्ट रिडक्शन. ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट एक्टिविटी, ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ व्हाट इज़ मीन बाय ट्रांसपेरेंसी. अकाउंटेबल गवर्नमेंट, अगर ट्रांसपेरेंट है तो लोग जवाब मांग सकते हैं. और डेमोक्रेसी मीन्स अकाउंटेबिलिटी. यू कैन आस्क टू योर गवर्नमेंट कि क्या हो रहा है और हमें बताया जाए ये ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्यों नहीं हुआ. अकाउंटेबल है गवर्नमेंट. मोर इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी, लोगों को ज़्यादा नॉलेज रहती है, ज़्यादा पता होता है कि क्या हो रहा है. इम्प्रूव्ड पब्लिक सर्विस डिलीवरी. पब्लिक सर्विस डिलीवरी ऑब्वियसली ज़्यादा बेहतर तरीके से लोगों तक सर्विसेज पहुँच पा रही हैं. अब आज के दिन कोई भी इशू उठा लो, रिसेंटली चालान का इशू हुआ, राइट, उससे पहले मतलब इसरो ये चंद्रयान का इशू हुआ, कोई भी इशू लगा लो जहाँ पर गवर्नमेंट को सपोर्ट करने की बात आती हो या जहाँ पर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करने की बात आती हो, हर टॉपिक कुछ मिनट्स के अंदर पूरे ऑल ओवर इंडिया वायरल हो जाता है या वर्ल्ड के अंदर वायरल हो जाता है. किसकी वजह से? ई गवर्नेंस की वजह से. हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, हम बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत अच्छे से और बहुत स्पीडियर वे में हम तक पहुंचती है. फाइन, तो लोग अपनी गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रख सकते हैं एंड इट विल हेल्प इन इम्प्रूविंग द पब्लिक सर्विस डिलीवरी. फिर बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की. पहली बात कि पीपल टू पीपल इंटरेक्शन ख़त्म हो गया. आप गए ऑफिस वाले पर्सन से बात की, जो सीनियर या जो ऑफिसर वहाँ पर बैठा था, वो पीपल टू पीपल इंटरेक्शन ख़त्म हो गया. अब आप सब कुछ क्या है, सिस्टम ही, आप सिस्टम से बात कर रहे हो, जो कुछ हो रहा है सिस्टम भी हो रहा है. अगर कोई एरर आ गया, रिसेंटली आपको याद होगा कि आपके मतलब जो राशन कार्ड था या जो राशन का सामान मिलता था वो आधार से लिंक कर दिया गया था. इस वजह से कई लोगों के आधार नहीं बने थे या आधार प्रॉपरली लिंक नहीं हो पाया था, तो कई बहुत सारे गरीब लोगों को राशन नहीं मिल पाया था टाइम पे. ये क्या है, ये भी एक डिसएडवांटेज ही है. ठीक है, हर एक मतलब कॉइन के पॉजिटिव साइड भी होती है और एक नेगेटिव साइड भी होती है, तो हम सिर्फ पॉजिटिव नहीं चल सकते, हमारे पास हमें नेगेटिव साइड को भी देखना होता है. क्योंकि अगर आप नेगेटिविटी नहीं देख पाओगे तो आप इम्प्रूव नहीं कर पाओगे. तो फिर वही है ना, स्टेटस को मेंटेन करना कि जैसे चलता आ रहा है वैसे चलता रहने दो. तो ज़रूरी है कि नेगेटिविटी को देखा जाए, क्योंकि हम आने वाले ऑफिसर हैं फ्यूचर के, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप हर चीज़ को थोड़ा सा देखें कि क्या सुधार की या कोई चेंज की गुंजारिश मतलब गुजारिश है यहाँ पर या कि नहीं है, गुंजाइश कुछ है कि नहीं है. फाइन, सो फिर बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई गवर्नेंस डिज हैव सर्टेन कंस्ट्रेंट, लिटरेसी, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, प्राइवेसी, साइबर सिक्योरिटी एक्सेट्रा. अब बहुत सारे मतलब ई गवर्नेंस के अपने भी कुछ नुकसान है. अब हर एक को तो फ़ोन यूज़ करना भी नहीं होता, हर एक को तो सिस्टम का भी नहीं पता. दूसरा, हर एक एरिया के अंदर तो टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल नहीं है. जो बहुत ही मतलब हिंटरलैंड एरिया है वहाँ पर तो इन टेक्नोलॉजी की भी पहुँच नहीं है. प्राइवेसी, सब कुछ ऑनलाइन हो गया तो प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं रही. और साइबर सिक्योरिटी, सबसे बड़ा ख़तरा साइबर सिक्योरिटी का. फाइन, सो ये कुछ चैलेंजेस हैं, लेकिन हमें इन चैलेंजेस से घबरा करके ई गवर्नेंस को रोकना नहीं है, बल्कि हमें इनसे डील करने के तरीके ढूंढने हैं. वी हैव चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ अस. व्हाट आर चैलेंजेस? फर्स्ट है हाई इनिशियल कॉस्ट फॉर सेटिंग अप ई गवर्नेंस. आपको प्रॉपर अगर ई गवर्नेंस सेटअप करना है देन यू नीड हाई इनिशियल कॉस्ट. शुरुआत में बहुत पैसा लगता है. सेकेंड, पीपल रेजिस्टेंस टू चेंज. ये आदत होती है ह्यूमन बींग के अंदर कि हम कोई भी चेंज को ईजिली एक्सेप्ट नहीं करते. डिजिटल डिवाइड एंड प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न. या तो हम इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लिटरेसी नहीं मतलब लिटरेट नहीं है कि हम ई गवर्नेंस को समझ सकें, इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज़ कर सकें. दूसरा, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न है. फाइन, अब यहाँ पर बात करते हैं ई गवर्नेंस इनिशिएटिव इन इंडिया.
शॉर्ट में बताती हूँ कौन कौन से हैं। फर्स्ट, डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र, मतलब अब जैसे आप अगर कोई मनरेगा में काम करता है तो क्या है, वो मजदूरी करके आया, अपना खड्डा वगैरह खोद के आया, आया और अब डायरेक्टली जो है वो किसी के उसको नखरे नहीं उठाने, किसी को मतलब विनती नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्टली अपने बैंक में जाओ, अपनी पासबुक लेके और आपको पैसे मिल जाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र। या गवर्नमेंट कोई सब्सिडी दे रही है तो भी आपके खाते में आ जाएगी, फाइन। दूसरा है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, हर जगह आधार लागू कर दिया गया है। तीसरा, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, अब सिर्फ लोगों को लिटरेट करने की भी कोशिश की जा रही है अबाउट द डिजिटलाइजेशन और डिजिटल वर्ल्ड के बारे में, ठीक है, तो सब कुछ डिजिटलाइज करने की कोशिश की गई अंडर द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। देन माईगोव जो ये है सिटीज़न पोर्टल है, इसके अलावा ई क्रांति स्कीम है और भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव हैं, तो आपको अगर कोई ध्यान में है इनिशिएटिव तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। एंड एम गवर्नेंस है, जैसे ई गवर्नेंस होती है वैसे एम गवर्नेंस होती है। एम गवर्नेंस मीन्स मोबाइल गवर्नेंस, इट इज़ द यूज़ ऑफ मोबाइल और वायरलेस टू इम्प्रूव गवर्नेंस सर्विस एंड इन्फॉर्मेशन, इट कॉम्प्लीमेंट ई गवर्नेंस। आपने भीम यूपीआई का नाम सुना है, भीम ऐप का या भीम यूपीआई का? भीम ऐप क्या है कि आप मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हो, जिनके पास जो ये मतलब एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है दे कैन ऑल्सो यूज़ द भीम ऐप, फाइन। तो वो क्या आप उसका एग्जाम्पल दे सकते हो एम गवर्नेंस का, और ये बेसिकली हेल्प करती है ई गवर्नेंस को ही। अब ट्रेडिशनल वर्सेज इलेक्ट्रॉनिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, पुराने एडमिनिस्ट्रेशन में और इलेक्ट्रॉनिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या फ़र्क है। पुराना एडमिनिस्ट्रेशन पेपर फाइल पे बेस्ड होता था, जबकि आजकल कंप्यूटर बेस्ड फाइल्स होती हैं, पीपीटीज होती हैं, पीडीएफ होती हैं, डॉक्यूमेंट होते हैं, एक्सेल शीट होती हैं, फाइन। देन हायरार्कियल अथॉरिटी है ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ई एडमिनिस्ट्रेशन में नेटवर्क है, पूरा नेटवर्क बिछा हुआ है, नेटवर्क पावर है। ट्रेडिशनल में जो ऑफिसर होते थे दे यील्ड पावर थ्रो हाइडिंग इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन सीक्रेसी वाला नेचर होता था, जबकि ई एडमिनिस्ट्रेशन लोगों को एम्पावर करता बाय शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। ट्रेडिशनल में एक्सेस बहुत कम मिलती थी लोगों को, वेरी डिलेड एक्सेस, ई एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इंस्टेंट वे में मिलती है। ट्रेडिशनल में फियर ऑफ अननोन, हम जिनको जानते नहीं है जाना पड़ेगा, मतलब गवर्नमेंट या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से अगर आपको कोई काम पड़ जाए तो लोग वैसे ही डरने लगते थे कि ये काम तो अब टाइम लेगा या बहुत चक्कर काटने पड़ेंगे, तो फियर ऑफ अननोन। ये एडमिनिस्ट्रेशन आईटी से भी है, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से हो रहा है। एंड ट्रेडिशनल वॉज स्टेटस को ओरिएंटेड, स्टेटस को मीन्स जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, उस माइंडसेट के साथ काम करते हैं, बल्कि ये एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट वाली माइंडसेट के साथ काम करते हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट द ई गवर्नेंस। आपके पास कुछ और है मटीरियल आप शेयर करना चाहते हैं या हमें कुछ बताना चाहते हैं, आपके पास कुछ फीडबैक है, कुछ आपके पास मटीरियल अवेलेबल है, या आप चाहते हैं कि ये चीज़ इंक्लूड की जाए, ये चीज़ नहीं की जाए, तो व्हाट्सएप ग्रुप आपके लिए बना दिया गया है, आप वहाँ पर भी शेयर कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स है, हमें बताइए क्या आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए क्या नहीं चाहिए। ओके, सो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं, थैंक यू सो मच।